Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 11. We will continue with the chapter number 6, Communication, Coaching and Conflict Skills. First of all, I would like to summarize the key points of lecture number 10. In lecture number 10, we discuss about the oral message sending process. We discuss in detail about the message sending process. Then we discuss the three parts of message receiving process. पैराफ्रेजिंग की बात की, फीडबैक की बात की. डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स और टास्क ऑफ एनी लीडर. लीडर हैज़ टू कम्युनिकेट ऑल द टाइम. ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में मैनेजर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. रिसर्च बेस्ड एविडेंस है कि मोर देन हाफ ऑफ द टाइम जो मैनेजर होते हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग विद द their subordinates, with their peers, with their supervisor, with other departments, organization के अंदर कोई है या with some other organizations in the industry. तो mean communication is an most integral part of a manager or a leader. That's why a leader has to be have strong communication skills. इफेक्टिव लीडर और इनइफेक्टिव लीडर में यही फर्क है कि लीडर जो होता है अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करता है. लीडर और मैनेजर की एक सेंट्रल जो पॉइंट है वो कम्युनिकेशन है. दैट्स वाई जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जिस लीडर की या मैनेजर की, वो अच्छा लीडर भी होगा, अच्छा मैनेजर होगा या इफेक्टिव लीडर और मैनेजर होगा. सो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है और इसको डेवलप करना चाहिए. देर इज़ अ प्रोसेस कि कैसे मैसेज सेंडिंग प्रोसेस क्या है, उसके लिए कि सबसे पहले प्लान करे मैनेजर कि ये जो है मैसेज किस किस्म का है. अब मैसेज जो होता है एक इंफॉर्मेशनल भी हो सकता है, या किसी को इंफॉर्मेशन देनी है, या इन्फ्लुएंस करना है, किसी को कन्विंस करना है, या अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करना है. अब इसको देखते हुए जो है मैसेज को प्लान करना चाहिए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैसेज, कि मैसेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, व्हाट डू यू वांट टू और इंटेंड टू कन्वे. आप अपनी क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हैं रिसीवर को, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं. तो उससे सबसे पहले आपने प्लान करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है. उसके बाद ऑडियंस देखें कि ये इंडिविजुअली उसको डिलीवर करना है या ग्रुप के फॉर्म में करना है. जैसे अगर किसी को इंडिविजुअल करना हो तो वन टू वन मीटिंग कर ली जाती है. अगर ग्रुप में कोई डिसीजन लिया गया है या कोई डिसीजन के बारे में कंसल्टेशन करनी है तो ग्रुप की मीटिंग कर ली जाती है. तो इसी तरह जो है उसके बाद देखना है कि किस सेटिंग में करना है, या मीटिंग फॉर्म में करना है, अपने ऑफिस में करना है, या आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन. कोई इस तरह होता है, बहुत सी जो है कंपनीज आउटसाइड इवेंट्स रखती हैं, वहाँ पे डिस्कस करती हैं अपनी स्ट्रेटजीज, अपने विजन और ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हैं ताकि एक अच्छा फीडबैक मिले या जो है एम्प्लॉयज की तरफ से एक उनको इनपुट मिले ताकि अपनी स्ट्रेटजी या विजन को शेप कर सकें. तो फॉर्मल होना चाहिए है या इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट करना है, मीडियम क्या है. मीडियम है कि रिटन हो सकता है अगर कोई ऑफिशियल है, और इतना आप चाहते हैं कि उसमें फॉर्मेलिटी हो तो एक प्रॉपर एक फॉर्मल वे में लेटर हेड पे भी कन्वे किया जा सकता है. इसी तरह जो है उसमें डिफरेंट है कि इनफॉर्मल है तो अगर जस्ट यू गो एंड आस्क या टेल दी सबऑर्डिनेट कि ये काम है, ऐसे करना है, ये योर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसे अचीव करना है, या अर्जेंट है तो ईमेल भी यूज किया जा सकता है. ईमेल रिलेटिवली आजकल बहुत जो है इन है, यूज होता है, बट इट इज कंसीडर्ड एज लेस फॉर्मल देन दी लेटर और ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मैसेज. इंफॉर्मेशन किस किस्म की कन्वे करना चाह रहे हैं, या आप किसको कन्वे करना चाह रहे हैं, अपने पीयर्स को कन्वे करना चाह रहे हैं, किसी और डिपार्टमेंट के लोगों को करना चाह रहे हैं, या अपने सुपरवाइजर्स को कन्वे करना चाह रहे हैं, और या अपने सबऑर्डिनेट को कन्वे करना चाह रहे हैं. तो ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए आपने मैसेज की जो है मीडियम को भी डिसाइड करना होता है. उसके बाद आपने हमने डिस्कस किया कि
टाइमिंग की, सेटिंग की बात की, टाइमिंग एप्रोप्रिएट होना चाहिए, और उसके बाद हमने पैराफ्रेजिंग की भी बात की। पैराफ्रेजिंग बेसिकली है टू मेक श्योर कि जो कम्युनिकेशन की है और जो मैसेज कन्वे किया है वो रिसीवर ने रिसीव किया है उसी वे में, जिस वे में जो या जो इंटेंटेड पर्पस था सेंडर का। उसके लिए ये हो सकता है कि रिसीवर से कहा जा सकता है कि आप पैराफ्रेज करें, आप बताएं कि मैंने क्या बात की है। वो पैराफ्रेज करता है अपने लफ्जों में जो है मैसेज को कन्वे करता है दोबारा सेंडर की तरफ। अगर सेंडर समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि या यही बात मैंने करनी थी और इसी तरह उसने बयान किया, दैट मीन्स के 100% श्योरिटी है कि मैसेज का जो इंटेंडेड जो सेंडर का था उसी तरह रिसीवर ने उसको समझा है। तो पैराफ्रेजिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक श्योर कि जो इन मैसेज है अच्छे तरीके से हुआ है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक पैराफ्रेजिंग भी है, या उससे पूछा जा सकता है कि आपके जहन में कोई और सवाल तो नहीं है कि आप बताएं आप बात समझ गए। मगर मोस्टली लोग होते हैं कि क्वेश्चंस नहीं करते, अवॉइड करते हैं। उसकी रीजंस क्या है? एक तो ये होता है कि रिसीवर जो होता है, जो सुनने वाला होता है, वो बात समझ ही नहीं पा रहा होता, और ना उसको समझ आई होती है, उसे ना कॉन्टेक्स्ट समझ आई होती है, इस वजह से वो अवॉइड करता है कि क्या बात पूछे, और ये ना समझे कि अगर मैं कोई बात पूछूं तो जो है मेरा बॉस नाराज ना हो जाए, या ये ना कहे कि इसको इतनी सी बात भी ना समझ आई, या मेरा जो है इग्नोरेंट फील ना हो, तो ऐसा ना हो वो मुझे समझे इग्नोरेंट है, इसको पता ही नहीं है, या ये है कि वो पिन पॉइंट नहीं करना चाहता कि लीडर बुरा ना मान जाए, कि या किसी कोई क्वेश्चन इस तरह ना करे कि उसको फील हो कि सेंडर को कि वो इग्नोरेंट है। तो वो एक फिर कल्चरल क्लैश भी है कि कुछ कल्चर्स में जो पावर डिस्टेंस होता है वहाँ सबऑर्डिनेट और लीडर के दरमियान जो होता है गैप ज्यादा होता है, अथॉरिटेटिव कल्चर है, पावर डिस्टेंस है। तो नॉर्मली जो है जब बॉस बात करता है, मैनेजर बात करता है, तो वो जो है सबऑर्डिनेट कोशिश करता है कि उसके अगेंस्ट कोई सवाल ना करे या उसे आर्ग्यूमेंट ना करे, तो वो अवॉइड करता है। ये कल्चरल भी इश्यूज है इस तरह, जिसकी वजह से जो पीपल हैं दे डोंट आस्क क्वेश्चंस। मगर अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो टू मेक श्योर कि जो मैसेज उसने कन्वे किया है वो उसने इंटेंडेड उसे रिसीव हुआ है रिसीवर को या नहीं, उसके लिए उससे खुद पूछ सकता है। और वो पैराफ्रेजिंग एक इज इम्पॉर्टेंट टूल के उससे कह सकता है कि अपने लफ्जों में बताए कि ये मैसेज मैंने क्या आपको बताया है, आप बताएं आप क्या समझे। तो उससे ये कि उसको श्योरिटी हो सकती है कि जो मैंने मैसेज दिया है उसी तरह उसे समझा गया है। फीडबैक की हमने बात की, फीडबैक क्या है? फीडबैक इज बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट टूल भी है, मगर फीडबैक देने का तरीका भी है। बहुत से लोग जो होते हैं फीडबैक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते। फीडबैक इज ए वेरी गुड फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड वर्क बिहेवियर। इंसान के जो अपने बिहेवियर्स हैं आप उसको इम्प्रूव करने में भी मदद मिलती है, पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करने में मदद मिलती है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है लोग क्रिटिसिज्म को हेट करते हैं, फीडबैक को एज सच नहीं हेट करते। और बात करने का एक तरीका होता है, क्रिटिसिज्म अगर आप किसी पे करेंगे तो मीन अगला ऑफेंड होगा, नाराज होगा। आप पर्सनैलिटीज को फोकस ना करें जब किसी को फीडबैक दें, रादर के बिहेवियर को फोकस करें, काम पे फोकस करें, परफॉर्मेंस की बात करें कि यार आपका ये बिहेवियर अगर आप ऐसे करें तो अच्छा हो सकता है, या लीडिंग बाय एग्जांपल हो सकता है कि किसी को आप एग्जांपल के जरिए या खुद काम करके बताएं, उसे फीडबैक दें ऐसे नहीं। तो ये जो है फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो फीडबैक के जरिए ही सबऑर्डिनेट को पता लगता है कि उसके जो है कि परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है या नहीं, उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। तो अच्छा जो लीडर होता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करता है, उसे कबूल करता है, उसको एनालाइज करता है, देखता है कि लोग क्या समझते हैं या मेरे में क्या खामियां, उसको दूर करता है, क्या मेरे में पॉजिटिव चीजें हैं ताकि उसको रीइन्फोर्स करे। तो क्रिटिसिज्म जो है लीडर के एक है कि उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, खुले दिल के साथ, ओपन माइंड के साथ जो है उसको ओपन माइंड के साथ चीजें सुननी चाहिए, ओपननेस उसमें ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब लीडर है उसकी बड़ी टेंस जॉब भी होती है, दे ही और शी हैज टू कम्युनिकेट विद द सब ऑर्डिनेट ऑल द टाइम,
या मोस्ट ऑफ द टाइम वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, अपने विजन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता रहा होता है, तो जो अच्छा लीडर होता है वो उसको तनकीद भी सुननी पड़ती है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, और उसमें कोई बात किसी गलत तरीके से भी करता है, तो इसमें टेम्परामेंट रखना है। हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हमने देखा है कि उनमें जो मोस्टली लोग हैं जो अच्छे लीडर हैं, उनमें एक है कि वो इमोशनली स्टेबल होते हैं और जो तनकीद होती है उसको उस पर ऑफेंड नहीं होते, बल्कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज और उस वे में उसको इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, उसको जरा टेम्परामेंट से जवाब देते हैं, अच्छे तरीके से अपनी बात कर सकते हैं, तो अच्छा लीडर जो होता है अच्छा कम्युनिकेटर होता है, क्योंकि अच्छे तरीके से अगर आपने कम्युनिकेशन की है अपने ऑब्जेक्टिव्स की, गोल्स की और स्ट्रेटजीज की, तो दिस मीन्स कि आपके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं आपकी बात को समझ रहे हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और एक सही डायरेक्शन में काम करेंगे। अगर वो आप सही तरीके से आप बात नहीं समझा पा रहे, उनसे फीडबैक नहीं ले रहे, अपने डिसीजन अगर करना है कंसल्टेशन कर रहे हैं या उन्हें अपने क्लैरिटी नहीं है आपको खुद, तो आप समझा भी नहीं सकते अपने सब ऑर्डिनेट को। तो जिस लीडर में जितनी क्लैरिटी होगी और जितना उसमें एक कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, उसके फॉलोअर्स भी जो है उससे इंस्पायर्ड होंगे और उसको उनको डायरेक्शन भी प्रॉपर मिलेगी और उनको पता होगा क्या डिजायर्ड बिहेवियर है या क्या डिजायर्ड परफॉर्मेंस है जो हमसे एक्सपेक्ट की जाती है और हमारा विजन क्या है और हमारा वर्किंग टुगेदर हम जो सारे मिलके कैसे काम करें कि टुगेदर वी अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और कैसे हम बेनिफिट हासिल करेंगे अगर हम एक डायरेक्शन में लीडर की कमांड में चलेंगे। तो अच्छा लीडर जो होता है हमेशा एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर द कोचिंग मॉडल। हम कोचिंग मॉडल की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल्स की, 5 मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल्स हैं उसकी बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल की बात करेंगे। व्हाट इज अ कोच? कोच कौन होता है? अ टीचर। टीचर भी कोच हो सकता है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है, हेल्प आउट करता है, फैसिलिटेट करता है, नॉलेज ट्रांसफर करता है, टीचर के जो काम है कि उनको नॉलेज इम्पार्ट करे, ट्रेन करे अपने स्टूडेंट को, तो टीचर भी कोच हैं। समवन हु शोज एन इंडिविजुअल और टीम हाउ टू इम्प्रूव स्किल्स एंड परफॉर्मेंस। एनी इंडिविजुअल जो अपने सबऑर्डिनेट को या टीम को बताता है कि आपने कैसे काम करना है, अपने कैसे स्किल्स डेवलप करने हैं या अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करने हैं या इन टूल्स और मशीन के साथ कैसे काम करना है, अपने आप का क्या डिजायर्ड बिहेवियर है, क्या परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है, वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है या कम्युनिकेट करता है, उन्हें टीच करता है स्किल्स एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो उस कोच है। इज दिस एवर अ नीड इन बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन? हर तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोच होते हैं। मैनेजर एज अ कोच भी काम करता है, जो अच्छा मैनेजर होता है एज अ कोच भी काम करता है, वो बताता है सबऑर्डिनेट्स को कि आप में ये खामियां हैं या आप इस तरीके से काम करें, आपका ये डिजायर्ड बिहेवियर है, ये वे ऑफ वर्किंग होना चाहिए, ये आपके डिजायर्ड जो है वे जो है स्किल्स होने चाहिए, जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, आप इस तरीके से इस काम को करेंगे तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ऑन दी जॉब उसे कोच करता है, उसे टीच करता है, बताता है काम के बारे में कि काम कैसे करना है, काम के करने के क्या स्टाइल्स हैं, नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं इस जॉब की, क्या इंपॉर्टेंस है इस जॉब की और अपने रोजमर्रा रूटीन के एक्टिविटीज को, जॉब एक्टिविटीज को कैसे हैंडल करना है, हाउ टू इंटरेक्ट विद दी बॉस कैसे करना है, हाउ टू इंटरेक्ट विद दी सब ऑर्डिनेट्स, टीम के अंदर कैसे काम करना है। तो मैनेजर और लीडर कोच कर रहा होता है। एक होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं फॉर्मल वे में कोचिंग जो है जो प्रोग्राम वो चलाती हैं, एक प्रॉपर कोच असाइन करती हैं इंडिविजुअल्स को। कुछ जगहों पे ये होता है इनफॉर्मल वे में भी कोचिंग होती है, एज सच ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से असाइन नहीं होता, मगर वो जो है मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट को टीच कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, कोचिंग कर रहा होता है उसकी। सो व्हाई डू वी ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ सम कंपेटिटिव एक्टिविटी? अब ये कोलैबोरेटिव एक्शन है, पॉजिटिव एक्शन है और हर बंदा मींस मैनेजर का काम है सब ऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उसकी इम्प्रूव करना, क्योंकि जो सब ऑर्डिनेट हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो अल्टीमेटली मैनेजर इज डूइंग
his job well. अगर वो अच्छा नहीं काम करे तो ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पुअर वर्क. तो अब ये मैनेजर का काम है कि अच्छे तरीके से उसे समझाए, कोच करे, उसे ट्रेन करे, बताए काम के बारे में, क्योंकि जो जो मेन काम है लीडर का या मैनेजर का वो यही है कि मोटिवेट करे अपने इंडिविजुअल्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, उन्हें उनके उनके अंदर ताकि मोटिवेशन हो, कमिटमेंट हो, जॉब का नॉलेज हो, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हो, उनको प्रॉपर वे जो है काम का पता हो कि कैसे करना है इस काम को, हाउ टू हैंडल द टास्क. तो ये जो है मैनेजर जो है अच्छा मैनेजर, अच्छा लीडर कोच भी होता है, तो उसे कोचिंग करनी चाहिए. और पीयर भी अपने जो है नए कुलीग को जो है कोच कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप ऐसे काम करें, और बिकॉज वर्किंग टुगेदर वी कैन ऑल विन. और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर जो है कम्पेटिटिवनेस आ जाए, आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग हो, एक दूसरे का हेल्प ना करें, तो ओवरऑल जो है टीम की परफॉर्मेंस सफर करती है. एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अगर सफर करेगी तो दूसरे की भी इंट्रेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. आपस में एक हर बंदा अपनी अपनी जॉब करता है तो एक विजिबल आउटपुट या आउटकम नजर आती है एट द एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो हर बंदा अगर अच्छे तरीके से काम करेगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा, नॉट टू कम्पीट, तो जो अल्टीमेटली है जो हर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, ग्रुप की भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की अल्टीमेटली परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी. देन हाउ टू कोच, कोचिंग गाइडलाइंस क्या है? सबसे बेस्ट वे जो है किसी को कोच करने का वो ये है कि मैनेजर का काम है कि प्रेज एंड रिकग्निशन दे. जो अच्छा काम करे उनको शाबाश दें. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि दिस इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव जो है टूल है, और इसका कोई खर्चा नहीं होता, मगर प्रेस का जो है उसका जो बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है. तो प्रेज एंड रिकग्निशन देना आना चाहिए कि बहुत से जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इस बात पे खुश होते हैं कि बॉस उन्हें जो है कम्प्लीमेंट दे रहा है, उनके काम को सराह रहा है. इसी तरह जो है डेवलप सपोर्टिव वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए. अच्छी कोचिंग के लिए कि आप मैनेज सबऑर्डिनेट को कोई बात बता रहे हैं, वो आप उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जॉब के रिलेटेड बता रहे हैं, तो उसके लिए कि अच्छा इनफॉर्मल या सपोर्टिव वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि सिर्फ मैनेजर और किसी खास सबऑर्डिनेट का, बल्कि पूरी टीम का उसके अंदर जो काम करिए, आपस में सपोर्टिव कल्चर होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए कि सारे एक दूसरे की मदद करें. तो इन दिस सेंस यू कैन कोच योर सबऑर्डिनेट्स इन वेरी प्रोडक्टिव वे. मेक फीडबैक टाइमली येट फ्लेक्सीबल. फीडबैक दें, प्रॉपर फीडबैक दें और टाइमली फीडबैक दें. ये ना कि जब काम खराब हो जाए, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एट द एंड एनुअल बताएं जी आपने ये काम किया है, अच्छा नहीं किया. तो टाइमली फीडबैक होनी चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि मैनेजर को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी चाहिए, देखना चाहिए कंटिन्यूसली वो उसका सबऑर्डिनेट कैसे काम कर रहा है, और टाइमली अगर कोई काम गलत कर रहा है तो उसे जाके देखे, उसे बताए कि आपने ये काम ऐसे करना है, और प्रोवाइड मॉडलिंग एंड ट्रेनिंग. इसी तरह है कि उसे इस रोल मॉडल काम करना है, उसे जो है ट्रेनिंग देनी है, एक कल्चर क्रिएट करे जिसमें उसको एज ए मॉडल काम करे, एज ए उसे ट्रेनिंग दे. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई काम कर रहा है सबऑर्डिनेट, वो सही नहीं कर रहा, टूल्स को सही ऑपरेट नहीं कर रहा, तो मैनेजर उसे जाके बता सकता है, खुद काम करे, उसे बताए कि ऐसे काम करते हैं, उसे करके दिखाए, लीड बाय द एग्जांपल. उसे जब करके बताएगा तो उसे पता चलेगा कि यार ये काम मैंने सही नहीं किया, ये असल प्रॉपर वे है काम करने का. तो उसे ट्रेनिंग दे प्रॉपर, और रोल मॉडल के भी तौर पे उसके काम करे कि जहाँ है कि बजाय तनकीद करने के या उसे बताने के, लीड बाय द एग्जांपल उसे करके दिखाए काम. जब देखता है सबऑर्डिनेट के काम के करने का ये तरीका है तो उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग होती है, और उसे फील भी नहीं होता. गिव कोचिंग फीडबैक.
इसी तरह कोचिंग की भी फीडबैक होनी चाहिए, जो कोच कोचिंग की है, इंस्ट्रक्शन दी है, उसके हवाले से भी पूछना चाहिए उसे। जो है मैनेजर का ये काम नहीं कि सिर्फ कोच करके उसे छोड़ देना है, सब ऑर्डिनेट से पूछना है कि आपका काम कैसा चल रहा है, उसे मॉनिटर करना है कि जो कोचिंग दी है रियली, जो ट्रेनिंग दी है उसको इम्पार्ट किए स्किल्स, वो इम्प्लीमेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, जॉब में उसकी कोई इम्प्रूवमेंट हुई है जॉब में या नहीं हुई, वर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई। हैव एम्प्लॉयज असेस देयर ओन परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज को भी मौका दें अपनी परफॉर्मेंस को खुद जज करें, एनालाइज करें, गिव स्पेसिफिक फीडबैक। तो डियर स्टूडेंट, फीडबैक जो होनी चाहिए स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम इशू है, कोई क्वालिटी का इशू है, कहीं पे वो एरर कर रहे हैं, कोई काम किसी सही तरीके से नहीं कर रहा, तो पिन पॉइंट करें कि यार ये आप स्पेसिफिक जगह पे ये एक्टिविटी आप सही परफॉर्म नहीं करें, ओवरऑल आपका काम अच्छा है मगर आप इस जगह जो है जरा सही तरीके से नहीं करें, अगर आप इसको इम्प्रूव करें तो यू कैन इम्प्रूव योर वर्क, ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह स्पेसिफिक फीडबैक दें, जनरलाइज फीडबैक ना दें, प्रॉपर पिन पॉइंट करें कि यार एरर या प्रॉब्लम है। डोंट क्रिटिसाइज, जैसे कि हमने डिस्कस किया क्रिटिसिज्म कोई भी नहीं पसंद करता, आप किसी को अगर तनकीद करेंगे तो वो बुरा मानता है, तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए बल्कि फीडबैक देना चाहिए। क्रिटिसिज्म और फीडबैक में फर्क है, फीडबैक का मतलब है कि उसको परफॉर्मेंस रिलेटेड, उसको परफॉर्मेंस के या बिहेवियर के हवाले से उसकी इम्प्रूवमेंट डिजायर्ड होती है, जबकि क्रिटिसिज्म का होता है कि उसको डीमोटिवेट कर देती है कि हर दफा किसी को क्रिटिसाइज करें, उसको पेन पॉइंट करें तो वो अच्छा काम भी करे तो डीमोटिवेट हो जाता है। मोस्टली जो बॉस जो लीडर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा करते हैं कि उनके सब ऑर्डिनेट्स की यही एक शिकायत होती है हर वक्त कि वो कहते हैं यार हम लोग जितना अच्छा काम करें हमारा बॉस जो है क्रिटिसिज्म ही करता है, तनकीद करता है, कभी भी हमें प्रेज या रिकग्निशन नहीं दी तो हम क्यों अच्छा काम करें। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करना ये उल्टा जो है डीमोटिवेट कर देता है इंडिविजुअल को या एम्प्लॉय को, तो क्रिटिसिज्म से अवॉइड करना चाहिए। फोकस ऑन बिहेवियर नॉट द पर्सन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर किसी की इम्प्रूवमेंट जो है रिक्वायर्ड है, किसी की जो है चाहते हैं कि वर्क परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो, तो उसके बिहेवियर को जो है पिन पॉइंट करें, ना कि इंडिविजुअल को पिन पॉइंट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई शख्स लेट आया है मीटिंग में, तो एक तो ये तरीका भी है कहने का कि यार आप हो ही ऐसे, आप हमेशा लेट आते हो, या कोई बंदा काम नहीं सही कर सक रहा, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको फॉर एग्जांपल कोई इस वक्त कोई स्ट्रेस है, फैमिली इश्यूज हैं, या उसमें कोई ट्रेनिंग की कमी है, तो आप ये ना करें कि आप उसकी पेन पॉइंट पर्सनैलिटी को करो, यार आप जो है टीम में काम ही नहीं कर सकते, आप में इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, आप अच्छे टीम प्लेयर नहीं हो, आपका ये फलां मसला है, आप कभी सीख नहीं सकते पर्सनैलिटी, या आप में ये खामी है। रादर के बिहेवियर पे फोकस करें कि यार आप ये इस जगह ये काम अच्छा नहीं करें, आप थोड़ा सा अपना बिहेवियर को कोऑपरेटिव रख लें तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। टीम में जब आप काम करें तो आप कोऑपरेट करें, आपका भी फायदा होगा, लोगों का भी फायदा होगा। तो इसी तरह मीटिंग में कोई लेट है तो कह देते हैं कि मीटिंग यार कितनी इंपॉर्टेंट थी, आपकी इनपुट चाहिए थे, तो जरा पंक्चुअल हो जाए। तो ये जो है तरीका है बात करने का, अच्छे तरीके से बात करें तो अगला जो है उसको एक्सेप्ट भी करता है, अपने आप को इम्प्रूव भी करता है और उसको वैल्यू भी देता है। अवॉइड ब्लेम एंड एम्बैरेसमेंट्स, ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहिए, ये आपकी वजह से हुआ, नहीं ये मेरी वजह से हुआ है, नहीं ये उसकी गलती थी। कोशिश करनी चाहिए जो है परफॉर्मेंस सेंटर्ड रहना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहना चाहिए कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, ना कि अपने अच्छे काम को अपनी तरफ कर लें और जो सब बुरा काम है वो सब ऑर्डिनेट या किसी और पे बाहर के फैक्टर्स पे डाल दें। जैसे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के लोग हैं, जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, काम अच्छा नहीं होता, कहते हैं जी हालात ठीक नहीं थे, मार्केट में सही हालात नहीं थे, दरअसल ये मसला था, बाहर के ऐसे मसले थे, मुझे ये मसला आ गया था, तो वो बाहर के जो चीजों के जो आउट ऑफ कंट्रोल्स होती हैं इंसान के, उसको एट्रीब्यूट कर देता है, और जो जो होता है अपना इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला, वो जो है अपने आप को देखता है, वो कहता है आई कैन मेक माई डेस्टिनी, मैं अपनी फेथ खुद बना सकता हूँ, वो कोशिश करता है कि जो अपनी परफॉर्मेंस है इम्प्रूव करे, क्योंकि ही और शी कैन इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस और कंट्रोल दी फैक्टर्स
अदर फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को, तो एम्बेरसमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर एम्बेरसमेंट करते हैं तो वर्क में जो है एक खास किस्म के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो सकती है और टीम में कोहेसिवनेस नहीं रहती, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है और लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो एम्बेरसमेंट और किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट का ये नहीं करना चाहिए कि उसको हर्ट करें, बल्कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। कोचिंग फीडबैक वर्सेस क्रिटिसिज्म। कोचिंग फीडबैक इज बेस्ड ऑन अ गुड सपोर्टिव रिलेशनशिप एंड ऑन द फॉलोवर डूइंग अ सेल्फ असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इट इज स्पेसिफिक, डिस्क्रिप्टिव एंड मेक्स पीपल फील लाइक विनर्स, वेयर एज क्रिटिसिज्म इज जजमेंटल एंड मेक पीपल फील लाइक लूजर। ये फर्क है कोचिंग और क्रिटिसिज्म में। कोचिंग फीडबैक जब देनी होती है किसी को, तो उसमें एक सपोर्टिव रिलेशनशिप होता है, मकसद ये होता है कि दूसरे की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, दूसरा अपनी परफॉर्मेंस या बिहेवियर को इम्प्रूव करे या बिहेवियर को चेंज करे ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, अच्छा टीम प्लेयर हो, अच्छा काम करे। और अपना जो फॉलोवर होता है वो अपनी खुद सेल्फ असेसमेंट करता है, सोचता है मेरी परफॉर्मेंस कहाँ अच्छी नहीं है, वो अपनी इसको खुद मौका दें काम करने का, इम्प्रूव करे, उसे इंस्ट्रक्शन दे, जॉब रिलेटेड बताए कि आप ऐसे काम करें, इस तरीके से करें तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्राइब किया जाता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है, जो है शो वीकनेसेस आइडेंटिफाई की जाती हैं, स्ट्रेंथ्स भी बताई जाती हैं आपकी पॉजिटिव है, री इन्फोर्स करें। तो इसे डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब किया जाता है कि आप ये काम इस तरीके से करें, और देन आफ्टर डिस्क्रिप्टिव देन प्रिस्क्राइब कि ये डिजायर आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बिहेवियर होनी चाहिए या ये वे ऑफ आपका डूइंग जॉब होना चाहिए। और ये जो है पीपल फील लाइक अ विनर, जो कोचिंग फीडबैक है इट गिव्स द सेंस ऑफ विनर कि दो सपोर्टिव कल्चर होता है, सपोर्टिव रिलेशनशिप होते हैं मैनेजर और सबऑर्डिनेट के दरमियान, दोनों फील करते हैं कि आपस में उनकी जो है विन विन सिचुएशन है। अगर इंडिविजुअल अच्छा काम करता है उसको पता है कि मैनेजर मुझसे खुश होगा, मैनेजर मुझे रिवॉर्ड देगा, और इसी तरह मैनेजर फील करता है कि उसके अगर सब ऑर्डिनेट अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, एक्सपेक्टेशन से अच्छी हैं, अप टू मार्क हैं, तो डेफिनेटली क्रेडिट भी मैनेजर या लीडर को जाता है कि उसने अच्छे तरीके से उसको सब ऑर्डिनेट्स को मोटिवेट किया हुआ है, उनको कोच किया हुआ है। तो ये है कि विनर जो है फीलिंग्स होती है दोनों एंड पे, जबकि क्रिटिसिज्म होती है जजमेंटल होके की जाती है, पर्सनैलिटी पे की जाती है, और ये पीपल को जो है डिसहर्ट करती है, डीमोटिवेट करती है उनको जो है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब हर लीडर जो है बार बार एक ही जो है सबऑर्डिनेट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, अच्छे काम को अप्रिशिएट ना करे और हर वक्त क्रिटिसिज्म करे, तो एक अच्छा खासा जो वर्कर जो होता है, अच्छा सबऑर्डिनेट जो परफॉर्मेंस भी जिसकी अच्छी होती है, जिसमें स्किल्स होते हैं, टैलेंट होता है, जिसमें पैशन होता है, मोटिवेशन होती है, वो भी इवन डिससेटिस्फाइड हो जाता है बिकॉज वो फील करता है कि उसका जो बॉस है वो मेरी जो है काम के हवाले से बात नहीं कर रहा, मेरी एप्रिसिएशन नहीं कर रहा, मुझे कोच नहीं कर रहा, रादर कि मेरी हर अच्छे का तनकीद शुरू कर देते हैं। तो वो कहता है मैं क्यों अच्छा काम करूं, क्योंकि मैं जो काम करता हूं उस पर तनकीद होती है, तो मुझे क्या जरूरत है अच्छी परफॉर्मेंस देने की। तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोचिंग फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। सो कोचिंग फीडबैक इज गुड पॉजिटिव, बट क्रिटिसिज्म इज नॉट गुड एंड इट इज बेस्ड ऑन जजमेंटल and then personality oriented, or it give the feeling or sense of losers. और जबकि coaching feedback में जो है तमाम parties, managers हो, subordinates हो, peers हो, सब का एक जो है sense होती है feel like a winners के, working together, supporting each other, helping each other, we will win. What is an effective method of coaching? Effective method of coaching क्या है? इसमें एट्रीब्यूशन थ्योरी है, इज यूज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस मैनेजर्स गो थ्रू टू डिटरमिन द रीजन फॉर इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस एंड डिसाइडिंग व्हाट टू डू अबाउट इट। इसमें जो है इस प्रोसेस इज यूज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस मैनेजर्स गो थ्रू टू डिटरमिन द रीजन, वो ये है कि वो एट्रीब्यूशन थ्योरी में वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं,
क्या इफेक्टिव और इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस की रीजंस क्या है, एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू एंड देन डिस्क्राइब और प्रिस्क्राइब कि ये आप वे ऑफ डूइंग होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है ता और इस तरह आप अपने वर्क बिहेवियर या परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। व्हाट इज मेंटोरिंग? अब मेंटोरिंग क्या है? कोचिंग और मेंटोरिंग में फर्क है। मेंटोरिंग जो है अ फॉर्म ऑफ एक कोचिंग तो है, ओवरऑल एक कोचिंग के अंदर है, बट इसमें ये होता है कि एक एक्सपीरियंस मैनेजर के साथ किसी यंग मैनेजर को जो है असाइन कर दिया जाता है या एज अ मेंटर बना लिया जाता है। अब वो जो मेंटर है अपार्ट फ्रॉम जो है जॉब, उसके अलावा भी उसे साइकोलॉजिकली भी एडवाइस कर सकता है, इमोशनली भी एडवाइस कर सकता है, उसके जो कोई फैमिली इश्यूज हैं उसमें भी एडवाइस कर सकता है। और वो यंग मैनेजर अपने करियर के बारे में उस मैनेजर से पूछ सकता है, एडवाइस ले सकता है कि अगर मैं इस करियर में कैसे एक्सेल कर सकता हूँ, मुझे कौन कौन से स्किल्स लेने चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, आप बताएं। तो एक तो फॉर्मल मेंटोरिंग प्रोग्राम भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन कराती हैं जिसमें सीनियर मैनेजर को असाइन किया जाता है कि यंगर मैनेजर की जो है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करे, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करे, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट करे, उसकी जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट करे। टू डेवलप दी प्रोटेगिव हैव टू बिल्ड मेंटर्स पावर बेस मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल सीम्स टू वर्क बेस्ट। अच्छा, इसमें जो है फॉर्मलाइज बहुत ज्यादा करना मेंटोरिंग प्रोग्राम को, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। इसमें जो है अपार्ट फ्रॉम जो है फॉर्मेलिटी, इसमें इनफॉर्मल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है किसी मेंटोर का, एज ए जो लीडर भी हो सकता है, मैनेजर भी अपना सबऑर्डिनेट के साथ। अगर इनफॉर्मल रिलेशनशिप होगा, वर्किंग रिलेशनशिप से हट के भी अगर बात होगी, तो वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपने जो इश्यूज को हैं फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं अपने मैनेजर के साथ। तो इनफॉर्मल जो है इट वर्क्स बेस्ट उसमें, क्योंकि असल मेंटर का काम होता है एडवाइस करना, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, वो एक उसके जो है उसके बड़े के तौर पे काम करता है सबऑर्डिनेट की, उसको समझाता है, उसको एडवाइस देता है, उसको मशवरे देता है, उसको करियर के हवाले से जो है उसको एडवाइस करता है, उसको बताता है ये पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं, आप में ये स्ट्रेंथ है। तो उसके लिए इनफॉर्मल रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, लाइक मोस्ट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन केमिस्ट्री बिटवीन पार्टिसिपेंट। अब इसमें यह है कि जो मेंटोरिंग होती है उसमें अगर फॉर्मलाइज असाइन कर दिया जाए, मे बी जो लीडर हैं और फॉलोवर्स हैं इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग या केमिस्ट्री ना मिलती हो, तो इस फॉर्म में भी जो है जो मेंटोरिंग प्रोग्राम का जो इतना इफेक्टिव जो है उसका नहीं होगा, उसका इतना इफेक्टिव नहीं होगी। तो इस वजह से जो है उन लोगों के साथ जिनकी केमिस्ट्री मिलती है, जो सबऑर्डिनेट और लीडर्स की लाइक माइंडेड हैं, उनके एक ही तरह के इंटरेस्ट हैं, प्रोफेशनल जो करियर के जो इंटरेस्ट हैं एक है, तो वो अच्छे तरीके से उसे एडवाइस कर सकता है सीनियर मैनेजर, उसकी अच्छे तरीके से अपने जूनियर की मेंटोरिंग कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, उसे सजेस्ट कर सकता है। नाउ वी डिस्कस डियर स्टूडेंट्स कॉन्फ्लिक्ट की बात हम करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट एज वी डिस्कस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ, इट्स अ फैक्ट कि जहाँ एक से या दो से ज्यादा लोग ज्यादा काम कर रहे हो, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी इश्यू पे हो सकता है, उनके इंटरेस्ट इनकम्पेटेबल हो सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बैड, इट्स नॉट अ गुड और अ बैड, हाउ वी मैनेज इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना इज अ मेन टास्क और जो है उसकी जो लीडर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इफेक्टिव लीडर वो ये जो अच्छे तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को और डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करता है। कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट व्हेन एवर पीपल आर इन डिसएग्रीमेंट एंड अपोजिशन, जब आपस में लोग डिफरेंसेज आ जाते हैं, पर्सनल डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, प्रोफेशनल डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, या प्रोफेशनल जो है जेलिसी आ सकती है, या कोई और इश्यूज हैं, ग्रीवेंसेस हैं, जिसकी वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो पीपल, व्हेन पीपल आर इन डिसएग्रीमेंट एंड अपोजिशन, दिस स्टेट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। एज आई सेड अर्लियर के कॉन्फ्लिक्ट जो है इज हेल्दी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। You cannot avoid the conflict. Conflict होता है, but the major success is how to manage the conflict. तो
कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना एक प्रोडक्टिव काम है, इससे आप फायदा भी उठा सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें तो इट गिव्स यू अ न्यू आइडिया, क्रिएटिविटी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेहतर होता है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स होते हैं, इस बेस्ड ऑन दी पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, और सिचुएशन बेस्ड भी होते हैं या इशू बेस्ड भी होते हैं कि नेचर ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त किस किस्म की है। तो एक है जो वर्टिकल साइड पे आप देखें, हाई कंसर्न फॉर अदर नीड्स होता है, और नीचे जो है लो कंसर्न फॉर अदर्स एंड ओन नीड्स। और इसी तरह अभी आप देखें, हाई कंसर्न फॉर ओन नीड्स है राइट साइड पे, और टॉप साइड पे देखिए हाई कंसर्न फॉर अदर्स एंड ओन नीड्स है। अब इसको देखते हुए आप देखें कि जब हाई कंसर्न फॉर अदर नीड्स होता है, वो इंडिविजुअल जिसकी वो होती है कि दूसरों का ज्यादा ख्याल रखना है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है, कि वो कहता है कि दूसरों को ज्यादा मीन्स फायदा हो, मेरी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे, ये जिसका माइंडसेट होता है वो अकोमोडेटिंग स्टाइल होता है। जब वो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो ये पैसिव स्टाइल होता है, वो कहता है कि चलें ठीक है, यू विन आई लूज। वो चाहता है किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिजॉल्व किया जाए और दूसरे को नुकसान ना हो। उसका जो कंसर्न होता है वो दूसरे की नीड्स का, जरूरत का ज्यादा होता है। अब नीचे आ जाए, अवॉइडिंग में देखें लो कंसर्न फॉर अदर्स एंड ओन नीड्स। इसमें यह है कि जो कॉन्फ्लिक्ट में एक पार्टी जो होती है उसका कंसर्न ना अपनी नीड से होता है ना दूसरे की, वो बस कहते हैं किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट ना ही हो, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यू लूज आई लूज दोनों नुकसान उठाएंगे। तो वो कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल ही नहीं करते, उनकी कोशिश होती है किसी तरह ना कॉन्फ्लिक्ट को जो है अवॉइड किया जाए, और मींस वो मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाते। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते जाएं, एट सम पॉइंट इन टाइम वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ भी सकता है या और प्रॉब्लम्स ही आ सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए, बट इट्स जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है वो कोशिश करता है कि अवॉइड ही किया जाए, कि क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट किसी सूरत भी बेहतर नहीं है। अब फोर्सिंग की तरफ आए, हाई कंसर्न फॉर ओन नीड, ऐसा बंदा जो होता है उसकी होती है कि यार कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये प्रॉब्लम है, इसमें जो है मेरी किसी तरह जो नीड है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट है वो हल हो जाए, वो उसका स्टाइल अग्रेसिव होता है। वो होता है कि यू लूज, अगर तुम लूज करोगे तो आई विन, क्योंकि दूसरे की हार मेरी जीत है। तो वो उसका स्टाइल जो होता है फोर्सिंग होता है, वो अग्रेसिव होता है अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हुए। देन टॉप पे देखें कोलैबोरेटिंग होता है, हाई कंसर्न फॉर अदर्स एंड ओन नीड्स। इसमें ये कि अपनी नीड्स के भी कंसर्न होता है और दूसरों की भी, कोशिश करता है कि कोलैबोरेटिव वे में काम करें, असर्टिव होते हैं, यू विन आई विन, विन विन सिचुएशन है, कि बैठ के निगोशिएशन करें, अच्छे तरीके से कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके या कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें, रिजॉल्व करें, ताकि इसी में हम दोनों का फायदा और हम दोनों की नीड्स जो है सेटिस्फाइड हों या अपने अपने कंसर्न्स पूरे हों। दरमियान में निगोशिएटिंग है, असर्टिव, यू विन सम आई विन सम, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक करना है, कुछ मैं छोड़ता हूँ कुछ आप दें, गिव एंड टेक करके एक एग्रीमेंट पे पहुंचे। इसमें जो है मिडल पॉइंट है कि एक ऐसी एग्रीमेंट, ऐसे कंसेंसस पे पहुंचे या इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें कि दोनों पार्टीज के लिए एक वैल्यू क्रिएट हो, इस जिसमें ये है कि एक पार्टी को कुछ देना पड़े, अगले को उसके रिटर्न में कुछ देना पड़े। तो ये गिव एंड टेक बार्गेनिंग है, तो ये है निगोशिएटिंग। Why should leader be concerned with conflict? लीडर को क्यों कंसर्न करना चाहिए अपने और वरी होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में? इनएविटेबल फैक्ट ऑफ लाइफ एंड लीडरशिप। लीडरशिप जो है वो जो है मोस्टली जो है इसके ये फेस करना पड़ता है, आपस में कभी सबऑर्डिनेट के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कभी आपस में टीम के जो है डिफरेंट पर्सनैलिटीज के लोग होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, तो ये लीडर का काम है कि उसको रिजॉल्व करना। कभी लीडर का सबऑर्डिनेट के साथ है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, कभी उसका पीयर के साथ चल रहा होता है। तो इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ लीडरशिप। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ लीडरशिप। सो कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिजॉल्व करने का जो स्किल्स है वो एक इफेक्टिव लीडर के पास होता है। इफेक्टिव लीडर या वही है जिसके पास एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, क्योंकि ओवरऑल जो है लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
के फॉलोवर्स को जो है एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेटिव उनमें वर्क इन्वायरमेंट हो, एक दूसरे के साथ फॉलोवर्स उसके कंपीट ना करें रादर के बल्कि कोऑपरेट करें, और एक जो टीम में है कोहेसिवनेस होनी चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, आपस में कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो ताकि टुगेदर वी विन, क्योंकि उसने सब ऑर्डिनेट्स को एज अ ग्रुप ऑफ पीपल को अपने फॉलोअर्स को एक सिम्ट में एक डायरेक्शन में लेके जाना होता है, एक विजन के पीछे लेके जाना होता है। तो ये लीडर की जिम्मेदारी है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करे। और ये हमने जो प्रीवियसली डिफरेंट जो स्टाइल देखे हैं लीडर उसको यूज करते हुए जो है डिफरेंट स्टाइल्स को यूज करते हुए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। अब इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ जो है प्रॉब्लम भी है कि कुछ जगहों पे जो प्रॉब्लम है हाई जो है उसकी सिग्निफिकेंस बहुत हाई हो और इसी तरह इम्पोर्टेंट नेचर की हो, और इसमें जो है तो उसमें ये कि अग्रेसिव हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करे। कुछ मामूली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, रोजमर्रा के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उसको वो लीडर अवॉइड भी कर सकता है, चले कोई बात नहीं। ओवरऑल जो कॉन्फ्लिक्ट है, इख्तलाफ है, इज ए हेल्दियर, उसके बेसिस पे अगर दो पार्टीज में या इंडिविजुअल्स में या ज्यादा लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अगर उसको बैठ के रिजॉल्व किया जाए तो एक क्रिएटिव सॉल्यूशन या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। तो कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना चाहिए, और मैं जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। कॉन्फ्लिक्ट गुड और इवल? कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन टू अपोजिंग पार्टीज हैव इंटरेस्ट और गोल्स दैट अपीयर टू बी इनकम्पेटेबल। आपस में दोनों के नजर आता है कि ये जो इंटरेस्ट है हमारे इनकम्पेटेबल है, हम एक दूसरे को जो है मैच नहीं करे, अगर इसके इंटरेस्ट पूरे होंगे तो मुझे नुकसान होगा, जैसे कि मोस्टली प्रमोशंस में होता है। तो उसमें ये होता है कि वो ये एक सीट है फॉर एग्जांपल जो है डायरेक्टर फाइनेंस की, और नीचे दो है जो डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस है, अब एक ने प्रमोट होना है, अब ये जो है आपस में उनके टाई पड़ गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हर बंदा अपनी जो है पॉलिटिकल स्किल्स यूज कर रहा है, वो चाह रहा है कि मैं अब जो है ऊपर जाऊं, तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट उनमें अराइज हो जाता है। या एक जो है प्रमोट हो गया, दूसरा हो सका, वो समझता है कि यार मेरी जो है वो मेरे साथ ज्यादती हुई है और मेरे मेरे साथ जो है अच्छा नहीं हुआ, मेरा जो था राइट था मुझे नहीं मिला, तो उस वजह से भी वो उससे उनमें कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है पर्सनैलिटीज में। तो जहाँ इनकम्पेटेबल इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट मैच ना कर रहे हो, तो वहां पे जो है कॉन्फ्लिक्ट आता है। स्ट्रांग डिफरेंसेस इन वैल्यूज बिलीव और गोल्स, इसी तरह कोई एट टाइम होता है कि पर्सनैलिटी से जो होते हैं कि वैल्यूज और बिलीव ही डिफरेंट होते हैं, वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट होता है, और जो है वो जो है वो उनके जो नॉर्म्स वैल्यूज कंप्लीटली पर्सनैलिटी क्लैश होता है, तो इस वजह से भी जो है वो इनकम्पेटेबिलिटी आती है और कॉन्फ्लिक्ट होता है। कंपीटिंग फॉर रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड्स, जैसे कि अभी बात की लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, या रिवार्ड्स की बात करें कि जैसे प्रमोशन लेनी है, तो आपस में जब जो जो दो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपस में कंपीट कर रहे होते हैं क्योंकि एक ने किसी ने प्रमोट होना है, तो उनके दरमियान फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट कभी ऐसे भी होता है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी चलता रहता है, इशू रिजॉल्व भी हो जाए मगर दिल में ग्रीवेंसेज रहते हैं, और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। लीडर्स एक्टिंग इन अ मैनर इनकंसिस्टेंट विद द विजन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह जो है लीडर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट है जो एथिकल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, और विजन और गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उससे कंसिस्टेंट नहीं है उनके एक्शन, और वो अपने पर्सनल मोटिव के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लीडर होते हैं पर्सनल पावर के लिए काम करते हैं, उस केस में भी फॉलोवर फील करते हैं कि हमारा लीडर सही काम नहीं कर रहा, जो टॉप मैनेजमेंट पे बैठा हुआ है वो सही काम नहीं कर रहा, तो वो उससे फिर आर्ग्यूमेंट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, तो इस तरह भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। पीयर्स में भी आ सकता है, सब ऑर्डिनेट और फॉलोवर्स लीडर्स में भी आ सकता है, इसी तरह लीडर और फॉलोवर्स में भी आ सकता है, तो किसी भी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। और ये एक जो है कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ऑर्गेनाइजेशनल, वर्क रिलेटेड और पर्सनल भी हो सकते हैं। एक तो होता है टिपिकली किसी खास इशू पे किसी के डिफरेंसेस आ जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, फॉर
फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर या विजन या ऑब्जेक्टिव्स पे जो है कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। कोई कहता है कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, हमें अग्रेसिव करनी चाहिए, हमें प्राइस कट करनी चाहिए। दूसरा मैनेजर कहता है नहीं, हमें क्वालिटी पे करना चाहिए। तो अब ये जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है कॉन्फ्लिक्ट है। तो और कुछ होते हैं जो पर्सनल लेवल पे आ जाते हैं, पर्सनैलिटी का जो है क्लैशेज होते हैं, वैल्यूज बिलीव्स नॉर्म्स ही डिफरेंट होती हैं। तो पर्सनल प्रॉब्लम्स नॉर्मली ये होता है कि जो बढ़ते बढ़ते वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी चले जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो तो रिजॉल्व किए जा सकते हैं कंसेंसस के जरिए, क्योंकि हर एक की नीयत अच्छी होती है। तो इस वजह से मीटिंग करके, निगोशिएट करके, कंसेंसस करके एक डिसीजन लिया जा सकता है। मगर जो पर्सनल लेवल के होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट, वो डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज, कल्चरल क्रैशेज होते हैं, नॉर्म्स बिलीव्स डिफरेंट होते हैं, इनकम्पेटेबल पर्सनैलिटीज होती हैं, तो उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो डिफिकल्ट होता है। सो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिजॉल्व, कैन बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज, लिव ऑन लॉन्ग आफ्टर द प्रोटैगनिस्ट हैव मूव्ड ऑन। इवन के ये भी होता है कि वो इंडिविजुअल जिनकी पर्सनैलिटी क्लैशेज है, आपस में ग्रुप के क्लैशेज है डिफरेंट, जैसे होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में डिफरेंट लोग हैं, आपस में उनकी पर्सनैलिटी ग्रुप्स बन जाते हैं, ग्रुप्स के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। इवन कुछ इंडिविजुअल चले भी जाएं तो वो कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग करते हैं और मूव ऑन करते हैं। कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मे नॉट इवन बी रिमेम्बर्ड, इवन के ये भी नहीं पता होता कि कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था, बात शुरू क्या हुई। ये भी होता है बहुत सी जगहों पे कि ऑर्गेनाइजेशन में बैठे और मीटिंग हुई, डिसीजन लेना था, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन था, किसी ने कोई बात की, अगर किसी ने कोई बात करनी चाहिए और अगले किसी मैनेजर ने उसे एक शटअप कॉल दे दी और कहा आपको नहीं पता, ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो पर्सनलाइज हो जाता है। अब वो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अपने अपने वो फॉर एग्जांपल मैनेजर है, डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो फिर उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, पॉलिटिसाइज करना शुरू कर देता है। उसका कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो फॉर एग्जांपल डायरेक्टर फाइनेंस से, अब डायरेक्टर मार्केटिंग कहता है मैंने बात की थी मगर मेरी बात को इसने वैल्यू नहीं किया, बल्कि मुझे निगेट किया और मेरी बात को उसने जो है फोर्सफुली निगेट किया और मुझे रोका है बात करने से और इस तरह मेरे से हार्श टॉक किए, वो पर्सनल हो गया। अब वो पर्सनल को अपने फॉलोवर्स को भी, डिपार्टमेंट को भी लेके आगे चलता है और कॉन्फ्लिक्ट में डाल देता है। फॉर एग्जांपल जैसे डायरेक्टर फाइनेंस से या फाइनेंस डिपार्टमेंट से कॉन्फ्लिक्ट में डाल देगा, तो पर्सनल लेवल पे अब ग्रजेस आए कि उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट किया, मुझे उसने बात करते हुए टोका या मेरी बात नहीं सुनी या मेरी बात को कंसीडर नहीं की गया मीटिंग में, या उसने इस टोन में बात की, वो अब पर्सनल लेवल पे थे। अब वो पर्सनल लेवल के होते होते इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए, तो इवन ऐसा होता है तो इतने इनग्रेंड हो जाते हैं, इतने वो हो जाते हैं पुख्ता कि वो बंदे चले भी जाए ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर फाइनेंस भी चला गया है, मगर ये कि वो कॉन्फ्लिक्ट फिर वो लोगों तक ट्रांसफर हो चुका होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका होता है, तो वो इवन जाने के बाद भी वो खत्म नहीं होता और कॉन्फ्लिक्ट ही आपस में चलता रहता है। अब जैसे हमारे डिपार्टमेंट में जहां मैंने सर्व किया पहले, एक साइंटिस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन की वे ऑफ वर्किंग का थोड़ा ये था कि वो जो है रूल्स रेगुलेशन और थोड़ा सा लोगों के फॉर एग्जांपल काम रोका। अब किसी डायरेक्टर की वजह से उसका एक माइंडसेट था कि लोगों के नेगेटिव माइंडसेट के काम रोकना है और इस तरह छुट्टियां नहीं देनी और लोगों की फाइल्स पे जो है इस तरह मतलब है ऑब्जेक्शन लगाने। तो अब एक ओवरऑल है किसी एक का काम था डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर एग्जांपल, उसने किया है। अब वो एक बंदे के साथ होगा, किसी की फाइल खराब हुई होगी, किसी को प्रमोशन नहीं हुई होगी, टाइमली सीनियरिटी देख के किसी और को मैनिपुलेट करके कर दिया होगा। अब वो जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है पर्सनल लेवल से शुरू होते होते इतना जो है डिपार्टमेंट वाइज शुरू हो गया। अब इवन के अब रिफ्ट है एडमिन और जो है रिसर्च डिपार्टमेंट में या और साइंटिस्ट के दरमियान एक है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते और समझते ये नेगेटिव लोग हैं, ये हमें से नहीं है, एडमिन वाले ये काम रोकते हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन वालों का एक रवैया बन गया है कि यार ये लोग काम नहीं करते, हर वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में पड़े रहते हैं, छुट्टियों की एप्लीकेशन आ रही है, कभी इन्होंने प्रमोशन लेनी होती है, कभी इस तरह के काम होते हैं, कभी इनके ये इश्यूज हैं। तो एक दूसरे से अब
उसको माइट भी किसी एक बंदे की माइंडसेट की वजह से, जो एडमिन मैनेजर है उसकी वजह से एक पर्सनल किसी के साथ क्लैश हुआ, अब वो करते करते एक परसेप्शन डेवलप हो गई और आपस में जो है ये एक बहुत बड़ी डिवीजन आ गई है कि माइंडसेट ही डिफरेंट है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉपरेशन नहीं है। अच्छा काम भी करें एडमिन वाले तो साइंटिस्ट वाले उसको नेगेटिव उससे सेंस से देखते हैं, अगर साइंटिस्ट अच्छा भी कर रहे हैं तो एडमिन वाले यही कहते हैं यार ये लोग कुछ काम ही नहीं करते, बस इनको तो ये होती है उनको छुट्टियां चाहिए होती हैं और इनके यही एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज ही हैं, डिसिप्लिनरी इशूज में और ट्रेनिंग और इन्हीं में पड़े रहते हैं। तो मीन्स वो अब कॉज क्या थी वो किसी को भी नहीं पता, इवन पर्सनल लेवल की जो होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व ना किया जाए तो वो प्रोलॉन्ग करके एक होता है इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, इंस्टीट्यूशन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट फिर एक जो है जनरेशन बाय जनरेशन वक्त के साथ साथ ट्रांसफर होता रहता है। तो जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी तो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को भी हैंडल करना चाहिए, डिफिकल्ट होता है। अब लीडर का काम है कि किसी तरह बिठा के अपने सब ऑर्डिनेट्स को कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे, अदरवाइज ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए तो बड़ा मुश्किल होगा जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशनल की प्रोडक्टिविटी भी सफर करेगी, परफॉर्मेंस भी सफर करेगी। और पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इंक्रीज एफर्ट, सप्रेस्ड फीलिंग गेट एयर्ड। अब लोगों की ग्रीवेंसेज होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, अब कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई उनको ग्रीवेंस होती है और बैड फीलिंग्स होती हैं जिसकी वजह से उनको कोई इशू होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट को अगर रिजॉल्व करें, कॉन्फ्लिक्ट आपस में बात करें तो ये कि उसकी जो पर्सनल सप्रेस फीलिंग्स हैं वो उनका इमोशंस जो है उनके कहते हैं फीलिंग्स थोड़ी कम हो जाती हैं, इमोशंस उसके मीन्स थोड़ा सा अपने इमोशन जब एक्सप्रेस करता है तो काम एंड क्वाइट हो जाता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो समझने में आसानी होती है कि किसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इम्पेटस फॉर चेंज। इसी तरह जो कॉन्फ्लिक्ट है वे ऑफ वर्किंग में डिफरेंसेस आ गया है या ओपिनियन डिफरेंट है तो बैठ के जब हल किया जाता है तो एक नए तरफ जाया जाता है, चेंज की तरफ जाया जाता है। मे बी वाकई प्रॉब्लम्स हो, आपस में कंपेटिबिलिटी ना हो या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो है प्रॉपर ना हो, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, तो कॉन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व किया जाता है उसको जो है डिस्कस किया जाता है, इशू को रिजॉल्व किया जाता है तो मे बी ऑर्गेनाइजेशन कैन कम अप विद द बेटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, बेटर डिसीजन मेकिंग। इसी तरह जब कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो एक अच्छा डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, जब हर बंदा अपनी मुख्तलिफ राय देता है एक इशू पे, उसके डिफरेंसेस होते हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा डिसीजन किया जा सकता है कि बाद में उनमें कंसेंसस हो और एक अच्छे डिसीजन पे पहुंचा जा सकता है कि डिफरेंट लेवल थिंकिंग या डिफरेंट अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं इंडिविजुअल, तो एक अच्छे डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करता है। की इशूज सरफेस, क्रिटिकल थिंकिंग स्टिमुलेटेड, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है ये एक तरह का हेल्दी वो एक्सरसाइज भी है, हेल्दी एक्टिविटी भी है। कॉन्फ्लिक्ट होना अच्छा है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं और डिफरेंट ओपिनियंस आने की वजह से एक नया रास्ता नजर आ सकता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो एक नए आइडिया की तरफ आते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, वाकई प्रॉब्लम की सरफेस कोई रियलिटी है या नहीं, तो एक क्रिटिकल थिंकिंग भी स्टिमुलेट करता है ईवल। सो ईवल और बैड के जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है इट डिपेंड्स कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट इज गुड और देर आर पॉजिटिव पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल जो हमने अभी डिस्कस किए। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, जब कॉन्फ्लिक्ट में जाती है जैसे लेबर यूनियन है उसका मैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी इशू पे, जैसे है प्राइवेटाइजेशन की एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में दी थी कि जो पीटी सेल की प्राइवेटाइजेशन हुई तो इस तरह के उन्होंने के डाउनसाइजिंग करनी थी तो लेबर यूनियन स्ट्राइक पे चली जाती है या सैलरी कट करती हैं, टॉप मैनेजमेंट को इंसेंटिव वापस लेती हैं तो लेबर यूनियंस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो स्ट्राइक पे चली जाती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कितने कितने दिन जो है काम बंद रहता है, प्रोडक्टिविटी इंडिविजुअल की सफर करती है, वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट में पड़े रहते हैं, फोकस नहीं रहते काम पे, तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डिक्रीज
कम्युनिकेशन, तो आपस में जब कंफ्लिक्ट आता है तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। जिन पर्सनैलिटीज़ के दरमियान जो है आपस में कन्फ्लिक्ट आया हुआ है, जैसे अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दी, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मार्केटिंग, इनके दरमियान पर्सनल ग्रजेस थे, पर्सनल कोई एक इशू हुआ, उस पर उनके जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, तो उसकी वजह से मे बी डिपार्टमेंट जो ऑफ फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट ही ना कर पा रहे हो ठीक तरह। तो ये जो होता है कन्फ्लिक्ट की वजह से कम्युनिकेशन सफ़र होती है, डिक्रीज होती है, नेगेटिव फीलिंग्स अराउज होती हैं लोगों में, बैड फीलिंग्स अराउज होती हैं, स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वर्कर्स जो है स्ट्रेस फील करते हैं और वो तंग होते हैं क्योंकि वो काम सही फोकस होके नहीं कर पा रहे होते और उन्हें जॉब सिक्योरिटी का मसला होता है, तो इस वजह से स्ट्रेस भी क्रिएट हो सकता है। पूरा डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आपस में क्लैशेस आ जाए, तो इस वजह से ये कि एक डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं हो सकती। अगर डिसीजन कोई कर ले तो फिर उसको ओन नहीं करते, अगर लीडर के साथ कुछ ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स का कॉन्फ्लिक्ट है तो अगर लीडर कोई डिसीजन करता है तो वो उसको ओन नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इस वजह से है बाकी जो है सबऑर्डिनेट्स या ग्रुप ऑफ पीपल उनकी भी प्रोडक्टिविटी सफ़र होती है, तो डिसीजन मेकिंग करना मुश्किल हो जाता है। डिक्रीज कॉपरेशन, इसी तरह आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो एक दूसरे के साथ हेल्पिंग हैंड नहीं होते, कॉपरेट नहीं कर रहे थे, कोचिंग नहीं कर रहे होते, मेंटरिंग नहीं कर रहे होते, एक दूसरे के साथ देख रहे होते हैं हमारे इनकम्पेटेबल इंटरेस्ट हैं, कम्पीट करना शुरू कर देते, तो दैट्स वाई दे डोंट कॉपरेट विथ ईच अदर। पोलिटिकल बैक स्टेबिंग, फिर इस तरह पोलिटिकल जो है बिहेवियर पोलिटिसाइजिंग की तरफ लोग जाना शुरू हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए फिर वो है ज़्यादा पॉलिटिक्स अपनी नेटवर्किंग बनाना शुरू कर देते हैं ताकि अपना जो है इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके, अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा पोलिटिसाइज कर देते हैं कॉन्फ्लिक्ट एट टाइम। तो दीज आर द पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इनिशिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल, प्लान अ BCF, बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस फीलिंग्स स्टेटमेंट दैट मेंटेन और ओनरशिप ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेप टू इज प्रेजेंट योर BCF स्टेटमेंट एंड एग्री ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, आस्क फॉर एंड और गिव ऑल्टरनेटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मेक एन अरेंजमेंट फॉर चेंज। दिस इज द बेसिकली इज ए प्रोसेस और स्टेप्स of initiating conflict resolution model. First of all, you have to plan behavior, consequences, feeling statement. You first of all identify the problem, then own the problem, where the problem is, who is the owner of the problem. Present your BCF statement, agree करें कि conflict है, then ask for or give alternative conflict, then come up with the solution or resolution की तरफ आए, possible solutions, resolution दें, and then make a consensus and make a arrangement for change, कि अब ये जो हमने resolution की है, conflict resolve किया है, इसको implement करना है। What is mediator? Mediator क्या होता है? A neutral third party who helps resolve a conflict. अब जो दो पार्टीज जब जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आता है, आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पा रही होती, तो उस केस में एक थर्ड पार्टी मीडिएटर होता है जो रिजॉल्व करता है, और जो मीडिएटर का काम होता है बेसिकली फैसिलिटेट करना होता है, दोनों पार्टीज के दरमियान कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना होता है, उन्हें पॉसिबल सॉल्यूशंस बताने होते हैं, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ शेयर करवाने होते हैं, और बेसिकली उसे उन्हें हेल्प आउट करना है दोनों पार्टी को टू फाइंड अ बेटर रिजॉल्व और बेटर सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। जबकि आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर होता है न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु मेक्स अ बाइंडिंग डिसीजन टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें ये होता है कुछ इश्यूज जो होते हैं आपस में दो पार्टीज जो है रिजॉल्व नहीं कर पा रही होती, तो वो जाते हैं मीडिएटर, मीडिएटर थर्ड पार्टी जो है उसको फैसिलिटेट करता है, कोई इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है उसको और फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आपस में दो पार्टीज बैठ के आपस में उनके दरमियान कम्युनिकेशन को जो है इनहांस करता है, आपस में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है और पॉसिबल सॉल्यूशन देता है, मगर उस केस में मीडिएटर में कि एट द एंड दोनों पार्टीज ने ही एग्रीमेंट या डिसीजन करना होता है, उसका काम जस्ट फैसिलिटेशन करना होता है या हेल्पिंग आउट टू फाइंड अ प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम और रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। आर्बिट्रेटर होता है, इसमें थर्ड पार्टी होती है जो
जिस पे दोनों पार्टीज एग्री करती हैं कि ये हमारा आर्बिट्रेटर है, हम रिजॉल्व नहीं कर सके कॉन्फ्लिक्ट, वो फिर फैसला करता है। मे कम्प्रोमाइज, मे चूज वन साइड और द अदर, अ ग्रोइंग प्रोफेशन, टॉप ग्रुप, द फेडरल मीडिएशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एजेंसी। अब जैसे आर्बिट्रेटर में ये कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी है, इसी तरह डैम के इश्यूज है, तो अब उस केस में जो है वर्ल्ड बैंक एज ए आर्बिट्रेटर वो अब जो इश्यू होता है इससे रिलेटेड, तो एज ए आर्बिट्रेटर अगर वर्ल्ड बैंक को डिसाइड करेगा जो है ओन करना पड़ेगा और उनपे बाइंडिंग डिसीजन होगा। तो आर्बिट्रेटर जब डिसीजन करता है तो वो सब पे एक बाइंडिंग डिसीजन होता है। डिस्कशन क्वेश्चन, आर मैनेजर्स मेंटर्स? यस, मैनेजर शुड बी मेंटर्स, और मैनेजर को अच्छा मेंटर्स होना चाहिए ताकि जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा उसके साइकोलॉजिकल का और प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली इश्यूज हैं, उसे कैरियर डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट इश्यूज हैं, और उसे एडवाइस दें, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करें, तो एक अच्छा जो मैनेजर होता है अच्छा मेंटर्स भी होना चाहिए। नॉर्मली लीडर को अच्छा जो है मेंटर्स होते हैं और बहुत अफेक्टिव लीडर के लिए जरूरी कि अच्छा मेंटर हो, मगर मैनेजर नॉर्मली जो है ये मेंटोरिंग का काम नहीं करते, वो ज्यादा टास्क ओरिएंटेड ज्यादा हो जाते हैं, तो अफेक्टिव मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो एक मेंटोरिंग भी करे। हाउ टू मेक टू नो दैट यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन यू आर इन डिसएग्रीमेंट ऑन सम पॉइंट, आपस में जो है इश्यूज पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और डिसएग्रीमेंट है किसी पार्ट पे, देन दिस मींस दैट यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट। डिस्कशन क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स वो है जिसको अच्छे तरीके से अगर मैनेज किया जाए दे कुड बी द गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, तो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की उसको उससे सफर होती है। डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेटर एंड मीडिएटर। आर्बिट्रेटर जो होता है वो भी थर्ड पार्टी होती है और मीडिएटर भी थर्ड पार्टी होती है। मीडिएटर का काम होता है सिर्फ जस्ट टू फैसिलिटेट, उसका काम होता है फैसिलिटेट करना, उनको कम्युनिकेशन उनके दरमियान आसान करना दोनों पार्टीज के दोनों मिलकर अपना फैसला करें, उनको पॉसिबल सॉल्यूशंस देना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना, और ताकि वो दोनों मिलके एक फैसला करें और एक कंसेंसस से करें। जबकि आर्बिट्रेटर में जो होता है ये थर्ड पार्टी होती है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, मगर वो ऑन बिहाफ ऑफ बोथ पार्टीज एक डिसीजन लेती है और वो डिसीजन दोनों पार्टीज पर एक बाइंडिंग होता है, क्योंकि आर्बिट्रेटर जो है खुद दोनों पार्टीज मुंतखब करती है, जब वो कॉन्फिडेंस शो करती है देन द डिसीजन मेड बाय द आर्बिट्रेटर इज बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर वी कवर्ड इन लास्ट टू लेक्चर्स, कम्युनिकेशन की बात की, ओरल मैसेज सेंडिंग प्रोसेस की बात की, हमने थ्री पार्ट्स ऑफ मैसेज रिसीविंग प्रोसेस की बात की, पैराफ्रेजिंग फीडबैक की बात की, कोचिंग मॉडल की बात की, और फाइव मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस की बात की, देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल की बात की हमने। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडर टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन और वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अच्छा लीडर वही है जिसमें अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, अच्छा निगोशिएटर हो और वो अच्छे तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्व कर सकता हो। तो अच्छे लीडर को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने चाहिए, अच्छे मैनेजर्स को, इफेक्टिव मैनेजर को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने चाहिए। तो जितना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे लीडर और फॉलोवर्स के दरमियान उतना अच्छा रिलेशनशिप होगा, उतनी क्लैरिटी होगी टास्क की भी, ऑब्जेक्टिव्स की भी, गोल्स की, उतने अच्छे तरीके से वो डायरेक्शन फीडबैक और कोचिंग कर सकता है। इसी तरह जो है दोनों लीडर और फॉलोवर्स मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव और जो है जो मेन उनके गोल्स हैं उसकी तरफ काम कर सकते हैं, वो और दोनों की परफॉर्मेंस जो है इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन की अफेक्ट करेगी और इंक्रीज करेगी। अगर अच्छा लीडर है, अच्छा कम्युनिकेटर है, सो एवरीबॉडी वुड बी ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम पेज, ऑन बोर्ड होंगे और टुगेदर दे वर्क, एंड इस तरह ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेस मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। सो तो डियर स्टूडेंट, लीडर को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने चाहिए, और दीज वर दी स्ट्रेटजीज टू डेवलप दी कम्युनिकेशन स्किल्स और टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली।
सो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, मुझे इजाज़त दें, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।